ओए होए, तो बहुत मस्त है भाई। अगर मेरी बहू भी ऐसी होती तो कितना मजा आ जाता। वैसे भी यार मैं इससे बात करके देख लूं, थोबड़ा तो सही था, ना जाने बात बनी जावे। चलूं। प्यार का है बनाया राम ने, कोई आए मेरा दिल थाम ले। मैं आगो, मैं थामूंगा। देख, मेरा नाम हप्पू है और बाप का नाम जप्पू है, और वैसे भी एक ब्याह तो मेरा होगा और अब दूसरे की। शट अप। लो जी, होगा मैं सेट अप। अब यू बताओ कैसा लग रहा हो मेरा गेटअप खोपड़ी फोड़ के। ओए, सड़े हुए अंडे की भुजिया पीछे। हाँ जी, तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम मुझे एक बात बताओ, कब गूंजेंगे मेरे घर में हम दोनों के बच्चे की किलकारियाँ? अच्छा, तो तुम्हें अपने घर में मेरे बच्चों की किलकारियाँ चाहिए? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, सही कही तुमने। और बच्चे जो है ना 25-25 किलो के, बिल्कुल सफेद चिकने गोलू मोलू से होंगे। या अल्लाह, 25-25 किलो के बच्चे? पर हप्पू जी, ये 25-25 किलो के बच्चे पैदा कैसे होंगे? अजी इस बरस बाजिए तुम महारे पर छोड़ो, वैसे भी नाम हप्पू है मेरा, खोपड़ी फोड़ के। ये तो कुत्ता कमीना मेरे पीछे ही पड़ गया, और बच्चे भी 25-25 किलो के पैदा करने के लिए सोच रहा। क्या सोच रही हो जी तुम? कुछ नहीं, वो सामने क्या है? कोई बात ना सुंदरी, तुम मुझ पर ना पटी ना सही, अब तुझे मेरा यार ही पटाएगा खोपड़ी फोड़ के। तो तेरी की खोपड़ी तो आएगा। अरे उसके पट्टे, इतनी तेज भेद भाग क्यों रहा? पूछिए बाद में, पहले मुझ में दो चार और रख। रे मेरे ससुरे के, एक तो मैं तेरे लिए इतनी बढ़िया खबर लायूं, ऊपर से तू मुझे मार हो रहा हो खोपड़ी फू आके। खबर? अरे मेरे यार, चल गलती होगी, नु बता के खबर है। अरे यार, मुझे अभी रास्ता में एक हूर की परी मिली, बिल्कुल ऐसी जैसी तू चाहवे, लंबे लंबे बाल, काली काली आंख, गोरे गोरे गाल, और भाई देखने में जो लग रही, तेरी कसम यकीन ना करे, बिल्कुल मस्त ही मस्त एवन। अच्छा चल, तू एक काम कर, खेतों में पानी दे, मैं भी आ लिया। ले भाई, खुद तो चल दिया सेटिंग करने, यहाँ खेत में पानी चला मैं कौन सा पागल हूँ जो पानी चलाऊं खोपड़ी फुलवा के। मैं भी जा रहा हूँ। ले भाई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपने आप आके मेरे ऊपर गिरी है और मुझे बता रही है छोड़ दोगे अगर नहीं। बस बस, अब ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है जब लड़कों को ना लड़की छेड़नी होती है तो कोई ना कोई नौटंकी करते ही है। दूर हो। देखो जी, मैं हूँ गाँव का सीधा साधा बालक और मेरे पे नौटंकी वोटंकी करनी ना आती। अच्छा, बहुत शरीफ दिख तो रहा है मुझे। अरे सर से लेके पैर तक देख लो, हर जगह से शरीफ ही शरीफ दिखाई दूंगा। बहुत प्यारी लग रही है जी आप। आह, गले लग जा, तुझ पे तो मेरी जान कुर्बान। ओए, तू जानता भी है मैं किसकी बेटी हूँ? तू बब्बर शेर की तो बेटी है, मैं अपने आप देख लूंगा, मैं नहीं डरता। ओए देख लिया जी, कितना शरीफ हूँ मैं। जी देख लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, राम राम, मैं चलूं। राम राम। अच्छा सुनो जी, बोलिए। कहाँ रहते हो आप? वही सामने वाले गांव में, मतलब सिकंदरपुर। अच्छा वो सिकंदरपुर, उससे मिले हुए तो मेरे अब्बू के भी खेत है। अब्बू के? क्यों, क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम हीना। हीना,
बड़ा अच्छा नाम है। और हाँ, मैं अपना नाम बिना पूछे बता देता हूँ, मेरा नाम आर्यन है। आर्यन? क्यों, नाम पसंद नहीं आया? अरे नहीं नहीं, नाम बहुत ही प्यारा है, पर तुम हिंदू हो और मैं मुस्लिम। मुस्लिम? फिर क्या हो गया? मुझे तो जी बस एक बात का पता है, हम सबको ना ऊपर वाले ने बनाया है। पर ये दुनिया वाले तो नहीं मानते ना आर्यन जी? नहीं मानते तो ना मानो, लेकिन मैं तो बस तुमसे ही प्यार करूंगा। क्या? प्यार ज़रा मुश्किल है। मुश्किल? मुश्किल को तो मैं आसान बना दूंगा, लेकिन हाँ तो कह दो। हाँ। अच्छा, कल मैं यही मिलूंगा, ठीक 10 बजे मैं आ जाऊंगी। अजी सुनती हो सबीना जी? आर्यन जी आओ जल्दी आओ, बात है कुछ तुमसे। तशरीफ। बदलाव क्या बात है सबीना जी? अपनी हिना कहाँ? ओहो, गई होगी अपनी सहेली के पास। देखो सबीना जी, हिना को ज्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए। खैर इन बातों को छोड़ दो, आप बिरयानी खा लीजिए। पे सबीना जी, तुम्हारी बातों पे खुशी। ऐसा क्यों, किसी क्यों आ रही आपको? पे सबीना जी, हमने कभी अपनी बिटिया हिना के बगैर खाना खाया? हाँ ये बात तो है, हिना बेटे को आप जान से ज्यादा प्यार करते हैं। एक ही तो बेटी है हमारी। दुआ के लिए आपके लगते हैं जगह पर। बेटी ना कहाँ गई थी? पापा मैं आपको क्या बताऊँ, मैं तो पार्क में घूमने गई थी, लेकिन रास्ते में इतने गड्ढे थे कि चलना मुश्किल हो गया। अब चलो बिरयानी खा लो, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। बिरयानी? अम्मी आपने बिरयानी बनाई है? चलो ना पूजा, मुझे तो बिरयानी बहुत पसंद है, आपको तो पता है इसका नाम लेते मेरे मुँह में पानी आ जाता है। चलो बेटा पहले आज पता लगी भाई, पिताजी रोज मुझे शादी करने को क्यों कहते हैं? रोज पिताजी खाना बना देते और मैं साटा सा खाता था, आज प्याज काटती तो पता लगा। क्या हाल है बेटे? पिताजी आलू तो कट गए, बस ये प्याज बच रही है, इन्हें काट के बस फिर खाना बना दूंगा। पिताजी तुम हंस क्यों रहे हो? मैं इसलिए हंस रहा हूँ, आलू काट दिए तूने, प्याज तू काट रहा है, फिर तू खाना बना देगा। ये तो बता तू रो क्यों रहा है? पिताजी रोने का तो मतलब ही नहीं, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारा बेटा कितना बहादुर है। मुझे पता है मेरा बेटा बहुत बहादुर है, लेकिन बेटा छोटी सी प्याज कभी कभी अच्छे अच्छे आदमियों को रुला देती है। हाँ पिताजी ये बात तो है, छोटी सी प्याज ने मेरी हवा ही खराब कर दी। अरे भाई अगर प्याज नहीं काटने इससे आंसू आते हैं तो बेटे मेरे पास इसका भी एक तरीका है। अच्छा क्या तरीका है पिताजी, बताओ ना। ब्याह करवा ले फिर प्याज नहीं काटने पड़ेंगे। ओहो पिताजी, फिर ब्याह की बात? इसका मतलब तू मेरी बात नहीं मानेगा? तो ठीक है पिताजी, ये पकड़ो थाली, तुम प्याज काट लो, मैं आज भूल ही लेगा आता हूँ। हाँ खूब बोलिया, प्याज नहीं काटने पड़ेंगे। यार इतनी देर होगी, 10 बजे का टाइम दिया था, पता ना आवेगी कि नहीं, थोड़ी देर और इंतजार कर लो। तेरे छूते ही महसूस होता है कि ये मेरा प्यार है। अरे क्या बात है, चलो यहीं बैठ के बात कर लेते हैं। मैंने तो सोचा था कि तू शायद आज आवे ही ना। क्यों?
अरे देख तो ले क्या टाइम हो रहा है, 10 बजे का टाइम दिया था तुझे। चलो टाइम को छोड़ो, तुम ये बताओ तुम क्या कहना चाहते थे। क्या बताऊं हिना जी, मैं ना पूरी रात बस एक ही बात सोचता रहा। कौन सी बात सोचते रहे आर्यन जी? यही कि मैं हिंदू और तुम मुस्लिम, शायद ये समाज हमारे प्यार को स्वीकार ना करे। आर्यन जी, ना तो मुझे हिंदू का पता और ना ही मुझे मुसलमान का, मुझे बस इतना पता है कि मैं तुम्हारी हूँ और तुम मेरे हो, बाकी हिंदू मुस्लिम का मुझे कुछ नहीं पता। हिना जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे अब्बू हमारे प्यार को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, और ये धर्म और मजहब के ठेकेदार हमारे प्यार पर अपनी अपनी रोटियां सेकेंगे। अब कुछ भी हो आर्यन जी, हमें जीना साथ है और मरना भी साथ है। आज तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। कैसी बात कर रही हो हिना जी, मैं धरती और आकाश को साक्षी मान के ये वादा करता हूँ कि जब तक मैं जीऊंगा ना, मेरी हर एक सांस सिर्फ आपके लिए होगी, सिर्फ आपके लिए। मैं भी वादा करती हूँ आर्यन जी, मरते दम तक मैं भी सिर्फ तुम्हारी ही रहूंगी। तो फिर चलें। कहाँ? जहाँ तुम्हारा मन करे। मेरा मन तो तुम्हारी बाहों में आराम करने का कर रहा है। अच्छा। हरामखोर उल्लू का पट्टा पता नहीं कहाँ रह गया, मुझसे कह रहा था तू चल और अब तक नहीं आया। मेरा भी नाम लैला है, आते ही मैं इसकी खबर ले लूंगी। मेरी जान, आज तो तू बिल्कुल कयामत लग रही है। ए, कितनी बड़ी हालत है भाई, आज तो जुल्म कर रही है तू, क्या बात है। ओ कयामत के चाचा, एक घंटा हो गया यहाँ खड़े हुए, कहाँ था तू अब तक? अरे यार कुछ भी बात नहीं, वो पड़ोस में ना रहता हो मिंटू, उसकी बहू रूस का जा रही। अब जब ड्रामे ऐसे हो देख लेने चाहिए, कल को हमारी गैलरी खुल सकते हैं। औरों के ड्रामे देखता रहिए, औरों के ब्याह भी हो लिए, बालक भी हो लिए, और यहाँ हमारे अभी शादी तक भी बात ना पहुंची। यार तुझे भी ब्याह की बहुत जल्दी लग रही है। अरे तो 2 साल तो हुई है प्यार चलते चलते, 2-4 साल और चला कलंग ब्याह भी। तो तू एक काम कर, बुढ़ापे तक प्यार ही चलाता रहियो, ब्याह अगले जन्म में कर लेंगे। ना लैला देख, ब्याह तो मैं इस जन्म में करूंगा, चाहे 1-2 साल बाद करूँ। 2-3 साल मैं तो झेल लूंगी, मेरी उम्र कहीं ना जा रही, पर तू अपनी उम्र देख, 2-3 साल बाद तो बुढ़ा हो जाएगा, फिर मैं भी तुझे घास न डालूं। घास की बात तो ऐसे कर रही है जैसे मैं गधा हूँ। अरे तू घास ना डालेगी कोई बात ना, अभी तो जानती ना दिखे, बोनवीटा भी चालू करो, 500 ग्राम बच रहो। एक काम कर, तो बोनवीटा ही पीता रहे। और हाँ एक काम करियो, अगर तुझे होलिक चाहिए ना तो वो भी मुझे बता दियो, मैं ला दूंगी। ए भाई यू बात तो तेने जो की है ना दिल पर लगी है, रोना आ रहा हूँ मुझे, अब रोऊ तो रोऊ कैसे, बताओ तेरा मेरा प्यार बचपन का, तू तीसरी में पलक रही जब मैं 7वीं क्लास में, जब तू प्यार कर रहा हूँ अब तू कह रही 2 साल ब्याह ना करो, तो तू भी घास ना गिर, गधा समझ रही है मुझे, है? इतने साल का प्यार इतने से टाइम में खो दिया तेने। ऐसा है मेरे सामने ड्रामा ना करे। तू ये ड्रामा लग रहा, अब तो तुम मलूक हो रही है ना, तू सोच रही है और कोई मिल जाएगा, यू तेरी अच्छी बात ना बिल्कुल भी। इसमें मलूक की कहां से बात आ गई, साजे ना दिखता जो मैं क्या हूं, गलत तो मुझे बहस करनी जरूरी है मुझसे। क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हो? अच्छा अब तुझे भी बतानी पड़ेगी हम दोनों क्यों लड़ रहे हैं। एक बात बता, हम आपस में कुछ भी करें, तू यहाँ क्या लेने आया है? भाई तुम्हारे झगड़े को रुकवाने क्या, कोई ना कोई तो बीच में आता ही। अच्छा अप्पू सुना तूने, क्यों क्या कह रहा, कोई ना कोई बीच में आता ही। अच्छा भाई बहुत बेहुदा हो तुम दोनों तो, एक तो मैं तुम दोनों को बचाना आ गया, ऊपर से और हंस रहे हो है। अच्छा हम बेहुदा है, हमें बचाना आया हो तो तेरी तो। अच्छा वो भाग गया वरना और पिटता, बहुत पिटता। अल्लाहु अकबर। बेगम सबीना जी। हाँ जी। इस बार अल्लाह के हुक्म से फसल बढ़ी है। ये तो अल्लाह का रहम करम है। अरे धर्मपाल, अरे भाई धर्मपाल जी, अरे हरी खान, अरे भाई
और मेरा दोस्त अली खान सब खैरियत? अरे भाई सब उस अल्लाह का करम है, खैरियत हो? सब श्री राम की कृपा है। और भाभी जी कैसी हो आप? हाँ मैं अच्छी हूँ, आप सुनाओ। सब आपकी कृपा है? कृपा तो ऊपर वाले की होती है। अरे ये तो बताओ हिना बेटी की शादी कब कर रहे हो? भाई देखो जैसे कोई सलूकदार मिलेगा तो कर देंगे। बाईस साल तो आर्यन भी 22 साल का हो रहा होगा। हाँ हाँ भाभी अब तो वो भी 22 साल का हो गया। बस तो उसकी शादी करके आजाद हो जाओ। हम भी बस हिना के लिए लड़का देख ही रहे। भाभी हिना के लिए मेरी नजर में बहुत बढ़िया लड़का है, अगर कहो तो बात करूं। हाँ हाँ भाई साहब क्यों ना, निकाह तो करना ही है बेटी का। बस कोई ये ख्याल रखना लड़का ठीक ठाक सा हो। भाई साहब पहले घर चलो, चाय नाश्ता करके जाने दूंगी, काफी दिन के बाद आए हो। बस ठीक कह रही है सबीना जी, घर बैठ के बड़ी तबीयत से चाय पिएंगे। अरे अली भाई मुझे तो खुद भाभी के हाथ की चाय पिए हुए कई दिन हो गए। चलोगे? बुरी लग जा रुकी कन्नू कह रहा हूँ। अरे नाली में गिर रहे हैं हम, लगता हमारे सने तो धोवे भी तो हम ही है। इस पे भी पत्ता ना है, यहाँ भी धूप भी है, यू भी तो खत्म ही करना हो। हाँ सही है, अब पी हूँ वैसे। बस बिल्कुल सुबह सो 30 रहो, क्या रुपया हो गए कितों सौ सौ ज्यादा हो गए भाई। नमकीन नमकीन भी गिर के दिखाया कहीं वो का नशा के ऊपर नशा। कोई कौन है? क्या हाल है भाई साहब? अरे अरे आर्यन तू कद आया? उतर की थप्पड़ लगते ही। आ यार अरे यार तुझे मैंने कितनी बार समझाया इस जहर को मत पी, मगर इससे किडनी फेफड़े वेपड़े सब खराब हो जा। अरे आर्यन मेरे दोस्त कम में पी कम में, और हाँ अगर ऐसी बात है तो तेरे सर की कसम आज के बाद जिंदगी में कभी नहीं पी। और नहीं बोले अरे ये सब बात तो ठीक है, तने कसम तो बहुत बार खाई मेरी, लेकिन नू तो बता दे किस चीज का गम है तुझे? वैसी चीज कोई मत बुझा मेरे दोस्त, मेरी लैला मुझे छोड़कर चलेगी, कैसे बताऊं? अब बता तुझे लैला कहाँ छोड़ के चलेगी? लैला ना जाओ तुझे 7 जन्म तक भी छोड़ के। अरे यू बता मैंने तुझे कौन सा गम दे दिया? अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ लैला, पर यार तैन तो आते बिना बूझे 10-15 धै ऐसा रख दिया जैसा तबला बजा मैं। यार तैन तो बुद्धि के साथ साथ बुद्धि भी ढीली कर दी। तेरी मजाक तो बहुत बढ़िया, उससे भी पिट लिया और मुझसे भी पिट लिया। अरे लैला इसके ना बिना पिटे बुद्धि में आती ना बात। हाँ भैया तुम सही कह रहे हो, और तू एक काम कर नीचे झुक मुझे पद्दी बिठा चल। तुझे लगे है 10-15 इन्हें धर दिए, 10-15 तेने 30 खा के मैं पद्दी बैठा सकूं? अरे मैं तो खुद भी चला जाऊं यूं ही बड़ी बात है, पद्दी पे तो तुझे बैठा रहना चाहिए मैं आज। चल कम मुकत नास पिटे पैदल ही चल ले चल। चल खान साहब, ओ खान साहब, खान साहब। वालेकुम अस्सलाम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत तो है? जी सब खैरियत है। तशरीफ रखिए।
बे शमशेर भाई ये तो बता आना कैसे हुआ? आपको तो पता ही है खान साहब आपकी बेटी का निकाह है। बे शमशेर ये तो बड़ी खुशी की बात है, अल्लाह ताला की मेहरबानी से सब अच्छा ही होगा। जी जरूर, लेकिन लेकिन खान साहब वो मैं कुछ पैसे उधार लेने आया था, अगर आपकी मेहरबानी हो जाए तो। बे शमशेर कैसी बात कर रहा है, मेहरबानी तो ऊपर वाले की होती है, तू जो मुझे कहेगा मैं तैयार बैठा हूँ। बहुत बहुत मेहरबानी खान साहब, ये तो मुझे भरोसा था कि आपकी चौखट से कोई खाली हाथ आज तक गया ही नहीं। ठीक है तो खान साहब अब मैं चलूं, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बैठो बेगम। शबीना जी अपने शमशेर भाई हैं, इनकी बेटी का निकाह है, कुछ पैसों की मदद के लिए बोल रहा। कोई बात नहीं, मदद करने भी जा, अल्लाह सब पे अपनी मेहर रखे। मैं कोई बात करना चाह रही है आपसे। बेगम शबीना जी आप फरमाइए ना। हमारी हिना भी 21 साल की हो गई। वाह शबीना जी, मैं भी आपसे हिना के बारे में बात करनी चाह रहा था, और हिना के लिए मैंने एक लड़का देख भी लिया। शबीना जी अपने सलीम भाई का शहजादा अर्शद भाई 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला, अरे कारोबार भी क्या बढ़िया बात है। फिर देर किस बात की, बड़े भाई साहब को बुला लो अपने को, आगे रिश्ते की बात हीना बेटी से भी सलाह कर लेना। शबीना जी हीना से पूछने की क्या जरूरत, फिर भी हीना से एक बार सलाह कर लेंगे, क्या जा रहा है। शबीना जी जब तुमने कह दिया तो हम सलाह कर लेंगे, तुम खाना पकाओ मैं एक बार प्रधान जी से मिल के आ जाऊंगी। भैया मेरे एक बात समझ में ना आ रही। क्या बात समझ में ना आ रही? तुमने तो मुझसे यूं बोला था कि कुछ खवाने लेके चल रहे हो, और तुम यहाँ कहाँ लिया है, जंगल ही जंगल दिख रहा है बस। अरे यार बाहर जाके क्या खाएगी पिएगी, सब कुछ बेकार मिला है बाहर, और मैं तो पहली बात कुछ खान पीन ना आया था, मैं तो इससे मिलना आया था। देखना देखो मैं तुझे कितनी बार समझा करो, अरे आर्यन भी शरीफ ना, मन की उसकी भी कहीं ना कोई सेटिंग जरूर है, अब देख ले यूं है। अरे यार मेरी सेटिंग ना है, तू मेरा प्यार है, धड़कन है मेरी। हाँ अप्पू हमारी भाभी तो बहुत सुंदर है। तेरे मुंह में घी शक्कर, बस ये जल्दी से तेरी भाभी बन जा तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। अरे भाभी बनने में कहाँ देर लगे, थोड़ी सी आंच बला उसके चारों तरफ 4-5 बेर घूम जा, बन गई भाभी। अरे अब यही खड़े रहोगे, देख तो लो कितनी धूप हो रही है, चलो अब। अल्लाह! अरे क्या हो गया? कुछ नहीं, पैर मुड़ गया। अरे ये छोटी सी लगी है, तू तो तेरा पूरा पैर मुड़ गया। चल तू डॉक्टर के चल। अरे रहने भी दो ना, जरासी सी तो है। तुझे पता है क्या जरासी है, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, मेरी सुन लेकर कदी चल। अरे सुनो तो। देख यू हो प्यार, कम बोले कर वरना तेरा जबड़ा तोड़ दूंगी। अभी तू एक बात बता, जब भी मिले तोड़ फोड़ की बात करे, तू झांसी की रानी है, अर्री बात जबड़े की इसे ही तोड़ ले, ब्याह जब भी तू ही करेगी और अब भी तू ही करेगी, तेरी मर्जी है जो करना कर ले। अब ज्यादा फालतू मत बोले, घर को चल ले, देखना धूप कितनी तेज हो रही है। यार ठंड भी तो 2-4 प्यार की बात कर लेती। चल प्यार की बात करवाऊं कभी। तू ना कर। चल भाई बैठ बैठ के बात करेंगे। अरे क्या बात करनी यार, देखो मुझे पक्का तो नहीं पता लेकिन मेरे घर में ना मेरी शादी की चर्चा चल रही है। यार क्यों टेंशन ले रही है, मैं कल तेरे घर आ जाता हूँ अब्बू जी से मिलने। आ जाओ, लेकिन। लेकिन क्या? हमारे प्यार के बीच में ना ये जातिवाद आ सकता है। यार मैं एक बार ना बात करके देखूंगा, फिर जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। तुम ना मेरे कहने पे काम करो, अपने पापा को ना हमारे घर भेज दो हमारी शादी की बात करने के लिए, क्योंकि जो तुम्हारे पापा है ना मेरे अब्बू के बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोस्त है? पर तुझे कैसे पता? अरे तू मेरे पिताजी को कैसे जानती है? तुम्हारे पापा का नाम रामपाल है ना? हाँ लेकिन तुम्हें कैसे पता, तुम कैसे जानती हो उन्हें? एक दिन मैं अम्मी और अब्बू के साथ खेत पर गई थी, वहाँ मैं तुम्हारे पापा से मिली, मेरे अब्बू तुम्हारे पापा से ऐसे गले लग रहे थे
कि दोनों सगे भाई हो। अच्छा, फिर तो यार हम दोनों बहुत जल्दी एक हो जाएंगे। अरे तभी तो मैं कह रही हूँ, मेरे अब्बू ना तुम्हारे पापा की बात नहीं टालेंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं कल ही अपने पापा को तुम्हारे घर भेज देता हूँ। ठीक है, अब चलो घर चलते हैं। मैं भी घर जाके ना तुम्हारे पापा के स्वागत की तैयारी कर लूंगी। यार मेरा ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा आज तुम्हें छोड़ के जाने का। जाना तो पड़ेगा ना, वरना मन तो मेरा भी नहीं कर रहा, लेकिन हमें एक दूसरे के लिए थोड़ा बहुत इंतजार करना ही पड़ेगा ना। यार पता नहीं ये इंतजार भी किसने बनाया। चले अब। बेटा आर्यन, ऐसे उदास क्यों बैठा हुआ है? पिताजी, मैं पिताजी को देख रहा था। क्या? अरे पिताजी को तो तू रोज ही देखता भाई। वो पिताजी देखता तो रोज हूँ, लेकिन आज देखने का तरीका कुछ अलग था। तरीका? बेटा कोई ना कोई बात तो है। पिताजी बात तो है, लेकिन क्या बात है ये तो मुझे भी नहीं पता। बात तो है और बात भी नहीं है। बेटा मेरी समझ में नहीं आई। पिताजी मुझे ना कुछ कहना था। अरे बेटा मैं कहने को मना नहीं कर रहा, इधर उधर की बात छोड़ के सीधा मुद्दे पे आ जा। पिताजी क्या तुम अली खान जी को जानते हो? हाँ हाँ, अली खान को तो मैं जानता हूँ, वो तो मेरा जिगरी दोस्त है। पिताजी क्या तुम कल इनके घर जा सकते हो? हाँ हाँ, पर क्यों? बस पिताजी उनके हाल चाल पूछ लेना और अपने बता देना। अच्छा बड़े बाबा तू नहा लिया? नहीं पिताजी। तो एक काम कर, नहा दो क्या, फिर बात करते। सुनो तो पिताजी, बात नहाने की नहीं है। अरे तो फिर क्या बात है? पिताजी बात यह है कि मैं उनकी बेटी हीना से प्यार करता हूँ। बेटा मेरी भले ही अली खान से दोस्ती है, लेकिन वो इस रिश्ते को कभी मंजूर नहीं करेगा। पिताजी आप एक बार उनसे बात करके तो देखो, शायद मान जाए वो। अली खान से तो मेरी 25 साल पुरानी दोस्ती है। अरे मेरे लिए जान तो दे देगा वो, लेकिन गैर बिरादरी में अपनी लड़की कभी नहीं देगा। पिताजी फिर भी तुम एक बार मेरे लिए बात करके तो देखो। अरे बेटा तेरी खुशी के लिए तो मैं अली खान के पैरों में सर रख दूंगा अपना। लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन फिर भी तेरी खुशी के लिए मैं उसकी चौखट पे जाऊंगा। नहीं पिताजी आप कहीं मत जाओ, मैं नहीं चाहता कि मेरे पिताजी का साथ किसी के आगे झुके। बेटा मुझे मेरे सर की परवाह नहीं है, मुझे तो परवाह है बस तेरी खुशी की। मैं हीना के लिए लड़का देख लिया, बहुत काबिल है, मुझे पसंद आ गया। तो बहुत अच्छी बात है जी, चटवंगड़ी और पट गया। शमशेर भाई चाय ले आऊं आपके लिए? वाह बाबू जान, मैं तो अभी आपसे चाय की बोलने वाला था। अल्लाह ने ऐसी नौबत ही ना दी। अल्लाह ताला का जी करिश्मा ही अलग है जी।